Hello everyone. Welcome to मेरा नाम है और करते हैं को of computer science. So guys, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो यार इस में में हम detail में discussion करने वाले अबाउट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है अब हमने लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि डेटा बेस कॉन्सेप्ट क्या है मतलब इंट्रोडक्शन ले लिया था डेटा बेस कॉन्सेप्ट उससे पहले तक हम ये देख चुके थे कि भाई क्यों जरूरत है इस चैप्टर की डेटाबेस पे हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं राइट right? मतलब हमने बुनियाद बना ली थी तो हमने मैनुअल डेटा एंट्री से शुरुआत करी थी कि मैनुअल डेटा एंट्री की लिमिटेशंस क्या है फिर हम फाइल सिस्टम पे गए थे फिर फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस देखी थी कि फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है एडवांटेजेस के बाद

ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखते हैं सो so, डेटाबेस कर दो तो, सबसे सब पहले तो डेटाबेस देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस ठीक है सो लिमिटेशंस फेस्ड इन फाइल सिस्टम कैन कैन बी ओवरकम बाय स्टोरिंग द डेटा इन अ डेटाबेस वेयर डेटा लॉजिकली रिलेटेड ठीक है मतलब अब क्या है देखो यार अभी तक हम क्या करते आ रहे थे अलग-अलग फाइल स्टोर करते आ रहे थे है ना अब अगर हम इन फाइल्स को लिंक कर दें ठीक है थ्रू अ रिलेशन Then हमें क्या मिल जाएगा डेटाबेस मिल जाएगा इससे हमारी जो लिमिटेशन है ना भाई लिमिटेशन जो थी फाइल सिस्टम की आइसोलेशन की ठीक है आइसोलेशन की जो आपका डेटा है वो आइसोलेटेड है तो उसको आपको लिंक करना है ठीक है सो लिमिटेशन फेस्ड इन फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम तो उस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हो तो यार आपने जैसी लिंक किया तो खत्म खत्म हुई जैसे हुई जैसे तो इनकंसिस्टेंसी नहीं रही ठीक है और उसमें आप अलग अलग और फीचर्स भी ऐड करके बाकी भी लिमिटेशन हटा सकते हो ठीक है तो ओवरकम करने के लिए हमें करना क्या है हमें स्टोर करना है डेटा को किसमें डेटा बेस में जहां पर डेटा कुछ लॉजिकली रिलेटेड रहेगा आपस में रिलेटेड रहेगा लॉजिकली ठीक है इज रिलेटेडाट इनिशिये अब हमें ऑर्गेनाइज क्यू करना है देटा को देटा बेस में, इससे मिलेगा, तो यार हमारा जो डेटा है वो मैनेज हो पाएगा एक इफिशियंट और आसान तरीके से बहुत इफिशियंट हो जाएगा मतलब इससे चीजें मतलब जो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है विच इज एक्सेस करना एलिमेंट्स को तो वो फास्ट हो जाएगा साथ में इसका क्रिएशन इंसिशन अपडेशन वगैरह सब बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है तो एफिशिएंट हो जाएगा और साथ में बहुत आसान भी होगा अब इससे पहले अगर मैं बात करूं फाइल सिस्टम में तो अगर हमारे पास लिमिटेशन थी कि एक लिमिट के बाद हम उसमें सर्च नहीं कर सकते थे ठीक है तो अगर वो लिमिटेशन आपने क्रॉस कर दी तो आपको मैनुअली हर आइटम को सर्च करना पड़ता था नो दैट इज वेरी दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो उस डिफिकल्टी को ही रिजोल्व किया गया और आसान तो बनाया गया हेल्प ऑफ वॉट डेटाबेस

ठीक है तो ये क्योंकि सेम रहने वाला है तो इसी वजह से जब हमारे जो क्या कह कहते हैं जब हमारे सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज होते हैं पाइथन हो गया जावा मतलब हम सी से सी प्लस प्लस जावा पाइथन आए तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना अब इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए ठीक है तो हमारे पास आया भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम तो यार कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस कह देते हैं डेटा डेटाबेस सिस्टम ठीक है क्यों कह देते हैं क्योंकि यार डेटाबेस सिस्टम भी क्या अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो टर्म्स तो वो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा उनको एक बार देख लीजिएगा मतलब उस वीडियो को देख लीजिएगा और टर्म्स क्लियर कर लीजिएगा ठीक है सो डेटाबेस सिस्टम भी कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पर आपको क्लियरली पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डेटाबेस को हैंडल करते हो और डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम क्लब करते हैं तो हमें मिलता है डेटाबेस सिस्टम नहीं होना ठीक है तो कहते हैं डेटाबेस सिस्टम भी बट समथिंग डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फिलहाल बात कर रहे तो सिस्टम है? है, तो है जो हम यूज कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए मैनेज करने के लिए डेटाबेसेस को ठीक है तो क्रिएट कर लिया आपने उसके बाद उसको मैनिपुलेट करने में आपका आ जाता है उसमें अपडेट करना एडिट करना डिलीट करना ठीक है रिट्रीव करना सिर्फ डेटा को रीड करना तो वो सब मैनेजमेंट में आ जाता है ठीक है न डीबीएमएस लेट्स यूजर क्रिएट ए डेटाबेस स्टोर मैनेज अपडेट मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम दैट डेटाबेस बाई यूज सॉरी बाय यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सो so डीबीएमएस क्या है डीबीएमएस अलाउ करता है यूजर्स को क्रिएट करने में डेटाबेस को स्टोर करने में डेटा को मैनेज करने में डेटा को अपडेट करने में मॉडिफाई करने में रिट्रीव करने में डेटा को फ्रॉम दैट डेटाबेस जो डेटाबेस है उससे जो है ये सब चीजें आप रिट्रीव भी कर सकते हो अपडेट भी कर सकते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो ठीक है यूजर भी कर सकता है कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कर सकता है मतलब मैं भले ही एक प्रोग्राम के थ्रू उसमें से एक्सेस करूं या डायरेक्टली मैं ही एक्सेस कर लू ठीक है तो डीबीएमएस से डीबीएमएस से मैं डायरेक्टली डेटाबेस में से चीजों को एक्सेस कर सकता हूं मतलब एज ए यूजर मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं या फिर मैं एक एप्लीकेशन सेटअप कर सकता हूं जो डीबीएमएस की मदद से क्या करेगा उस डेटाबेस में से डेटा uh, को एक्सेस करेगा तो ये भी पॉसिबल है राइट right? जो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डेटा आर तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट माई सीक्वल ठीक है अब माई सीक्वल या कुछ एस क्यूएल भी बोलते हैं ठीक है मैं सीक्वल बोलता हूं ठीक है इसका ऑरिजिन हम डिस्कस करेंगे आगे ठीक है कि क्यों मैं इसको सीक्वल बोलता हूं ओरिजिनली इसको सीक्वल ही बोला जाता था ठीक है तो माई सीक्वल हो गया और एक्ल का डेटा मतलब सीक्वल हो गया ठीक है फिर पोस्ट ग्रेड सीक्वल हो गया सीक्वल सर्वर हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सब लोगों ने देख रखा है राइट माइक्रोसॉफ्ट सूट में पूरा आपका वर्ड आता है एक्सेल आता है पावर पॉइंट आता है साथ में एक एम एस एक्सेस भी आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है पर एफिशिएंट नहीं है हम यूज क्या करेंगे हम यूज करेंगे माई सीक्वल माई सीक्वल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेनिफिशियल तो हम माई सीक्वल सीखेंगे ठीक है या मोंगो डीबी भी हो गया ठीक है मोंगो डीबी भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बट ये रिलेशनल नहीं है ठीक है तो वो सभी हम आगे देखेंगे तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया कि वॉट इज डेटा बेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है एक सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिससे आप डेटा बेस क्रिएट कर सकते हो मैनेज कर सकते हो यूटिलाइज कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो अपडेट कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो डेटा के साथ ठीक है अब चाहे तो एक यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डीबीएमएस को यूज करके डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर ले उससे डेटा रिट्रीव कर ले मॉडिफाई कर ले एक्सेस कर ले क्रिएट कर ले या फिर एक एप्लीकेशन की मदद से डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज करते हुए डेटा को एक्सेस करे या जो भी कर ठीक है तो आई होप ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर होगा क्या होता है आगे कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं इसमें ठीक है अब डेटाबेस सिस्टम करता क्या है ठीक है सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है सो डेटा बेस सिस्टम हाइट सर्टेन डिटेल्स अबाउट हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड में तो डेटाबेस सिस्टम क्या करता है डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली में हाइड कर देता है अब डेटाबेस सिस्टम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन ठीक है थेके? क्योंकि वो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिला के डेटा सिस्टम बन रहा है ठीक है तो ये क्या करता है ये हाइड कर देता है सर्टेन डिटेल्स को डेटा के बारे में जैसे कि डेटा को कैसे स्टोर किया गया है मेंटेन किया गया है वो सब चीजें यूजर से छुपी होती है यूजर का कंसर्न नहीं होता और अच्छी भी बात है सपोज मुझे डेटा से कुछ भी करना है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे स्टोर्ड है ठीक है अब जब तक एफिशिएंसी की बात नहीं आएगी तब तक नहीं है तो एफिशिएंसी भी मैनेज कर लेता है खुद ब खुद ठीक है मतलब एफिशिएंट वे में इसको स्टोर कर लेता है एक्सेस करना आसान कर देता है तेज कर देता है तो मुझे क्यों टेंशन लेनी जब मेरा काम कोई और करने को तैयार है आसानी से मतलब अच्छे अपने फुल पोटेंशियल में करने को तैयार है जिसमें मैं करता तो मैं क्यों करूँ वो करके दे तो रहा है मुझे Right? तो बस वही यहां पर भी है तो ये क्या करता है ठीक कर है डेटा right? so, तो ये इसीलिए क्या करता है ये डेटा का एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू का क्या मतलब हुआ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट व्यू का क्या मतलब, है? का मतलब, है? का मतलब है कि किस तरीके से डेटा स्टोर है मेमोरी में ये आपको समझ में नहीं आएगा या ये नहीं दिखेगा आपको ठीक है क्योंकि मेमोरी तो कंटिन्यूस ब्लॉक्स है ना तो ब्लॉक में स्टोर करोगे अब हो सकता है एक ब्लॉक में कोई पार्ट फिल्ड हो तो कहीं और स्टोर तो वो रिलेटेड होगा तो उस तरीके से आपको नहीं दिखाया जाएगा आपको एक्सट्रैक्ट व्यू टेबल के फॉर्म में चीजें दिखेंगी राइट डेटाबेस सिस्टम हैोग्राम थ्रू विच यूजर्स और अदर प्रोग्राम कैन एक्सेस मॉडिफाइ रिट्री एंड स्टोर डेटा ठीक है अब डेटा सिस्टम डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी मदद से कोई भी यूजर उस

आपका डीबीएमएस जो क्या करता है जो आपका एंड यूजर के तरीके से काम सॉरी इंटरफेस के तरीके से काम करता है बिटवीन एंड यूजर एंड डेटा मतलब सिंपल से लास्ट भी बताया था मैंने आपको सपोज ये आपका डेटा है ठीक तो है तो ये आपका डेटा है तो यहां पे क्या है भाई आपका खड़ा हुआ डीबीएमएस डी बी एम एस खड़ा हुआ है और यहां पे सपोज आपको यूजर हो अब आप सीधे डेटाबेस इंटरेक्ट नहीं करोगे तो डेटाबेस डेटाबेस एक्चुअली में क्या है डेटा, डेटा को स्टोर वगैरह करने का काम आता है मतलब डेटाबेस में स्टोर हो जाता है चीजें ठीक है और यहां पे एक्चुअली डेटा सिस्टम आपका पूरा लगता है और भी चीजें लगती है जिससे डेटाबेस स्टोर होता है इनको कंबाइन करके आप बोलते हो डेटाबेस सिस्टम इसमें और भी चीजें होती है ठीक है तो अब आप एज अ यूजर डीपीएम से चीजें मांगोगे ठीक है डीबीएमएस डेटाबेस में जाएगा डेटाबेस डेटा चीज को सर्च करेगा अगर मिल गया तो रिटर्न करके डेटाबेस डीबीएमएस को देगा और डीबीएमएस फिर आपको प्रोवाइड कर देगा तो तो काम होता है 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 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? करता सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस एंड एंड यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्राम अच्छा यह भी हो सकता है कि मैं यहां पे अपने आप को हटा दूं और मैं कहूं यार मुझे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है डेटा को मुझे क्या करना है मुझे यहां पे एक और एप्लीकेशन प्रोग्राम सेटअप कर देना सपोज पाइथन सेटअप कर देना ठीक है और मैं यहां पर हूं मैंने इस चीज को क्रिएट किया तब तो मैंने कहा कि तुम जाओ और इससे चीजें मांगो और मुझे दो तो ये एक और मैंने स्टैब्लिश कर दिया तो मुझे अब जो और थोड़ा बहुत मैनुअल काम था वो भी मैंने ऑटोमेट करके पाइथन को दे दिया या हो सकता है बहुत बार मुझे डायरेक्टली मुझे बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं मुझे डायरेक्टली चीजें चाहिए तो वो आप यहां पर ऐसे कर सकते हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या यूजर हो उनके बीच में डेट मतलब डेटाबेस और उनके बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैठा हुआ है राइट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड द डेटाबेस ठीक है अब जो हम डेटा को रिट्रीव करते हैं ना भाई डेटाबेस डेटाबेस से database से हम डेटाबेस को रिट्रीव करते हैं ना थ्रू स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स कुछ स्पेशल कमांड्स को यूज करके डेटाबेस में से रिट्रीव करते हैं ना डेटा को इस चीज को हम कहते हैं क्वेरिंग द डेटाबेस तो डेटाबेस को क्वेरी करना तो क्वेरी क्या है क्वेरी क्या है क्वेरी मतलब डेटाबेस से डेटा को निकालना उन कमांड्स को कहते हैं क्वेरी कमांड्स या क्वेरी लैंग्वेजेस ठीक है जिसकी मदद से आप ये करते हो तो क्वेरी लैंग्वेजेस कहते हैं उनको तो सीक्वल कुछ नहीं है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ठीक है तो क्वेरी, है। तो क्वेरी, तो क्वेरी करने का काम है आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में अभी आप इसकी चिंता मत करिए

जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा वॉट इज फाइनली डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वॉट इज डेटा बेस वेटा बेस सिस्टम आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी राइट तो ये वीडियो यही तक थी इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यार हम ऐसा कर क्यों रहे इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो बेनिफिट्स हम आगे अभी लिंक करेंगे तो हमने ये टर्म समझ ली कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देख लिया टर्म समझ ली अब हम इसको लिंक करेंगे विद व्हाट विद एडवांटेजेस की क्या है एडवांटेजेस ऑफ दिस व्हाई वी आर यूजिंग इट क्या फाइल सिस्टम के ऊपर तो ये आई होंगी ठीक है तो ये वीडियो यहीं तक थी नेक्स्ट देखते इसमें क्या है, तो है यार, हमारी वेबसाइट विच इसम तो गूगल पे आपको टाइप करना पहली वेबसाइट आई उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड जाओगे हमारा होम पेज अब यहां सारी क्लासेस रेलटेड है क्लास ट्वेल्थ पे हो क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक करो तो क्लास ट्वेल्थ का सारा कंटेंट ओपन हो जाएंगे सारे कोर्सेज आपको ढूंढना आप है जैसे कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस सर्च करो वॉचना क्लिक करो तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी अब इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे का स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम्रोल सारे ऑप्शन आप के पास जिसकी मदद मतलब से आप इस पूरे वीडियो को कंट्रोल कर सकते तो हो जैसे यूट्यूब पर करते हो अच्छा यूट्यूब पर भी यही करते हो तो यार फायदा क्या तीन बेनिफिट पहला यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है इधर उधर की वीडियोस नहीं सिर्फ स्टडी मटेरियल है तो आप फोकस होकर पढ़ पाओगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन दूसरा यहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ ऑर्गेनाइज है आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तीसरा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में कुछ भी विजिट करने का कुछ भी यूज करने के लिए ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है तो इसका बेनिफिट उठाओ और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना राइट right? और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है वीडियोज अच्छी लग रहे हैं प्ले लिस्ट अच्छी लग रही है अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प हो रही है हमारी वजह से तो हमारे साथ यानी कि बेस के जुड़े रहिए है बिकॉज हम लगते हैं आपके लिए क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप हमें बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच